हाय फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अलीसा हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। आज मैं उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ जिस पे कुछ गर्ल्स बात करने से शर्माती हैं और बुरा महसूस करती हैं। तो गर्ल्स, ये बहुत ही आम चीज़ है, आप घबराएं मत। आज की वीडियो आपके सारे प्रॉब्लम हल कर देगी। आज की मेरी वीडियो अनइवन ब्रेस्ट के बारे में है। जी हाँ, एक ब्रेस्ट का छोटा होना और दूसरे का बड़ा होना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम कई लेडीज़ को है जो इसका सलूशन जानना चाहती हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन, डोंट मिस एनी अपडेट्स फ्रॉम अलीसा हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। आप जानते हैं अनइवन ब्रेस्ट होने की काजेस क्या होते हैं। फर्स्ट रीज़न होती है अलाइनमेंट ऑफ बॉडी, यानी कि बॉडी की पोजिशन, उठने बैठने की जो स्लिपिंग पोजिशन है, स्ट्रेस, कोई बीमारी हो, इसी वजह से आपकी जो बॉडी का एलिमेंट है वो बिगड़ जाता है। तो जो ब्रेस्ट अनइवन उसका साइज़ हो जाता है। फॉर एग्जांपल, बचपन में आपका जो निप्पल है उस पर चोट लग जाती है, इसी वजह से आपके ब्रेस्ट का जो साइज़ है वो एक बड़ा हो जाता है। जो दूसरा ब्रेस्ट होता है वो ठीक तरह से वैसे ही बढ़ता रहता है, और किसी टेंशन की वजह से भी बॉडी की अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, इसी वजह से अनइवन ब्रेस्ट का साइज हो जाता है। सेकंड रीज़न होती है ब्रेस्ट फीडिंग। जो औरतें शादीशुदा हैं उनके, वो अपने बच्चों को फीड करवाती हैं, वो एक ही साइड से फीड करवाती हैं, तो इसी वजह से भी उनका जो ब्रेस्ट है वो अनइवन हो जाता है। थर्ड रीज़न है हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी कि हार्मोन का तोवाजन ठीक ना होना। जैसे एक लेडी की लाइफ में टीन एज से लेकर मैरिज से लेकर फीडिंग से लेकर मेन्यूपस तक फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंज होते रहते हैं, इसी वजह से हार्मोन्स का इफेक्ट होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है, इसी वजह से भी अनइवन ब्रेस्ट का साइज होता है। और जो फोर्थ और लास्ट रीज़न ये होती है कि अगर आप प्रेग्नेंट भी नहीं है, ब्रेस्ट फीडिंग भी नहीं है, फिर भी आपका ब्रेस्ट का साइज अनइवन है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। अब बात करते हैं इसका सलूशन क्या है, एक ब्रेस्ट का साइज़ बड़ा और दूसरे का छोटा क्यों है, तो इसे किस तरह कवर अप किया जा सकता है, कैसे इवन किया जा सकता है। पहला तरीका ये है, जब आप ब्रा परचेज करती हैं तो आप जो आपका बड़ा ब्रेस्ट है उसके अकॉर्डिंग खरीदें, और दूसरे पे आप पैडिंग कर सकती हैं। ये तरीका आप तब अप्लाई कर सकती हैं जब इसका जो साइज़ है वो अनइवन इतना फील ना होता हो। दूसरा तरीका ये है कि आपका जो ब्रेस्ट साइज़ छोटा है उस पे आप ऑयल की मालिश कर सकती हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा जो तरीका ये है कि आप एक्सरसाइज कर सकती हैं, जिस साइड का ब्रेस्ट छोटा है उस साइड पे आप डिम्पल्स या की लिफ्टिंग कर सकती हैं, उस वजह से भी आपका जो है वो ब्रेस्ट साइज़ बड़ा हो सकता है। और सबसे जो लास्ट है वो ये है कि मार्केट्स में जो क्रीम्स मिलती हैं ब्रेस्ट को साइज़ को बड़ा करने के लिए, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी काजेस के सलूशन। अगर आपको मेरी ये वीडियो देख के कुछ इंफॉर्मेटिव, कुछ यूज़फुल लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।